हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो को आप लोगों ने ओपन किया है हमारा थंबनेल को देखकर, और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़े, पासवर्ड, पैटर्न, पिन। फ्रेंड, अगर आपका भी ओप्पो फोन इस प्रकार पैटर्न, पिन, पासवर्ड लॉक हो चुका है और आप अपने पैटर्न, पिन, पासवर्ड को भूल चुके हो, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओप्पो मोबाइल का कोई भी लॉक कैसे तोड़ा जाता है, पैटर्न, पिन, पासवर्ड। अगर आपका ओप्पो फोन लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, तो आप लोग डायरेक्ट अपने फोन को लेकर सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हो, और दोनों जगह आपका फोन बहुत इजीली तरीके से अनलॉक कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का मदद लेकर आपका फोन का लॉक तोड़ा जाता है, जिसमें आपका पैसा लगता है, आपका समय लगता है, और आपके फोन के अंदर का जो भी डाटा होता है, फैमिली फोटो, फैमिली ऑडियो, वीडियो, सारा का सारा वो लोग डिलीट कर देंगे, उसके बाद आपका फोन अनलॉक होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के और बिना इंटरनेट कनेक्शन के, तो आप इस वीडियो में बने रहना फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि कभी भी ऐसा अनलॉकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग के सामने आएगा तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो। फ्रेंड, सबसे पहले जब आप अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आपको यहाँ पैटर्न, पिन, पासवर्ड नजर आएगा, जैसा कि इस फोन में पैटर्न लॉक है। आप यहाँ पे पैटर्न डालने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। बार बार पैटर्न को ट्राई करोगे, सेकेंड शो करेगा, मिनट शो करेगा, आपका फोन कब डेथ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको इस पैटर्न वाले पेज में कोई एक ऐसा ऑप्शन खोजना है जहाँ पे आपको वर्क करने का मौका मिले। ऊपर कुछ नहीं, दाएं कुछ नहीं, बाएं कुछ नहीं, नीचे आप देखोगे फ्रेंड तो आपको एक इमरजेंसी SOS का ऑप्शन दिख रहा है, जिसे इमरजेंसी कॉल भी कहते हैं। तो आपको यहीं पे क्लिक करना होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप खुद देख सकते हो। तो हम इमरजेंसी SOS पर क्लिक करेंगे, और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो आपके सामने एक न्यू डायलेट ओपन होगा। जिस फोन में न्यू डायलेट ओपन नहीं हुआ है, ग्रीन कलर का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करना, आपके सामने एक डायलेट ओपन हो जाएगा। तो बस इस न्यू डायलेट में हम आपको जो भी कोड दे रहे हैं, ये सारा कोड आपका एक्टिव कोड है और वर्किंग कोड है। ये फर्स्ट कोड FRP कोड, जिस कोड के मदद से आप अपने फोन का ईमेल, जीमेल, FRP लॉक को रिमूव कर सकते हो। किसी भी फोन का लॉक तोड़ने के लिए FRP लॉक को रिमूव होना जरूरी होता है। इस कोड के मदद से आप अपने ओप्पो मोबाइल का FRP लॉक को रिमूव कर सकते हो। इस कोड को बस आप दो बार अपने ओप्पो फोन में कॉल करना, ताकि ये कोड आपके फोन में एक्टिव हो जाए। कॉल पे क्लिक करना, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, ओके करना, 1 एंड देन 2। उसके बाद इस कोड को डायरेक्ट इरेज कर देना। ये न्यू मेथड है फ्रेंड, न्यू मेथड है। ये मेथड मई तक काम करेगा, पूरा मई, जून, ये पूरा एक्टिव मेथड हम आपको बता रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ये कोड में, डायलेट में हम आपको एक सेकेंड कोड देंगे, जिस कोड के मदद से आप अपने फोन का डाटा रिकवर कर सकते हो। इस कोड को देख लो, ये कोड ऑफलाइन मूड एक्टिवेशन कोड है, ऑफलाइन मूड एक्टिवेशन कोड। 5 बार इस कोड को कॉल करना है, ताकि इस कोड के मदद लेकर आप अपने फोन का डाटा रिकवर कर लो। और सर्विस सेंटर वाले ये कोड कभी नहीं दिखाएंगे, ना ही आपसे, आपका पैसा तो लेंगे ही, उसके बाद ये डाटा भी डिलीट कर देंगे। तो इस कोड को 5 बार कॉल कर लीजिए फ्रेंड, ताकि आपके फोन के अंदर जो भी डाटा है वो टोटल का टोटल रिकवर हो जाए। कॉल पे क्लिक कीजिए, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, ओके कीजिए, 1 2 3 4 एंड देन 5। अब इस कोड को डायरेक्ट इरेज कर लीजिए, FRP लॉक रिमूव हुआ, आपका डाटा रिकवर हुआ, अब बच गया आपका लॉक। तो ये जो कोड हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड, ये टोटल कोड आपको अपने फोन में सबसे पहले एक्टिव करना है, सबसे पहले एक्टिव करना है, ताकि ये कोड आपके फोन में एक्टिव हो जाए, उसके बाद वर्किंग करे। अब आप देख लो, ये लास्ट कोड है गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड। गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड, जिस कोड के मदद से आप ओप्पो मोबाइल का पासवर्ड, पैटर्न, पिन को रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले इस कोड को 3 बार कॉल कर लीजिए, ताकि ये कोड आपके फोन में एक्टिव हो। एक्टिव होने में कॉल कोड को समय लगता है। 3 बार कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, ओके कीजिएगा, 1 2 एंड देन 3। अब आप लोग को क्या करना है फ्रेंड, कि ये कोड को डायरेक्ट इरेज करना है और चेक करना है कि आपका फोन ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हुआ है या नहीं। होम बटन का ऑप्शन है, होम बटन पे हम क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हो कि ये फोन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, ये फोन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। पैटर्न लॉक पहले भी था, पैटर्न लॉक अभी भी है, पैटर्न लॉक।
इतना गर्मी कर रहा है फ्रेंड, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन आप लोग का कमेंट आया था ओप्पो एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको करना क्या है फ्रेंड, नीचे फिर से वही पेज आ गया पैटर्न वाला, इमरजेंसी कॉल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी SOS। और जो कोड हम दे रहे हैं अभी अभी आपको, ये कोड याद रखिएगा, यही कोड आपका फोन अनलॉक करेगा, सिर्फ 6 अंकों का कोड हैज लगा लीजिएगा। इस कोड को सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो अब इंड पे आ चुका है फ्रेंड, इस कोड को सबसे पहले आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले ये कोड आप लोग देख लीजिए, ये कोड एक्टिव कोड है और वर्किंग कोड है फ्रेंड, एक्टिव कोड है और वर्किंग कोड है। तो सबसे पहले इस कोड को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, कोड पे क्लिक किए, कोड हो गया सेलेक्ट, कॉल कट कॉपी शेयर का ऑप्शन आया आपके पास, शेयर के बगल में जो डॉट 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 वाला ऑप्शन दिख रहा है ना फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेना। ऐड और मैसेज का आपके पास मैसेज ये आएगा, ऑप्शन आएगा ऐड का और मैसेज का, देख रहे हो आप सभी लोग ऐड और मैसेज। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मैसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैसेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने मैसेज का पेज ओपन हो जाएगा, आप होम बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। इस बार आपका ओप्पो फोन देख सकते हो अनलॉक हो चुका होगा, और वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका होगा। पैसा बचा, समय बचा, डाटा बचा, और जो भी वर्क हुआ आप लोग के सामने हुआ। अभी सर्विस सेंटर जाते ये वर्क आपको दिखाया नहीं जाता, पैसा भी लगता, समय भी लगता, और डाटा भी डिलीट हो जाता। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा, मेरे यूट्यूब चैनल पर मॉडल नंबर के साथ कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।